हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आटे और मैदे के मोमोज बनाना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, उसकी सामग्री कुछ इस प्रकार है। तो हमने यहाँ पे आटा लिया है, तेल लिया है और नमक लिया है। अब हम इस आटे का डो बना लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसे मिक्स करेंगे। हमने इसमें नॉर्मल पानी यूज़ किया है। हमें इसे ज़्यादा सख्त सख्त नहीं बनाना है, हमें इसे चिकना करते रहना है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें घी भी डाल सकते हो। अब हम इसे ऑयल से चिकना बनाएंगे। अब हमें इसे 2 मिनट तक भूनते रहना है। अब हमारा आटे का डो तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे कपड़े से ढककर साइड में रख देंगे। तब तक हम आपको मैदे का डो बनाना सिखाते हैं, मतलब हम आपको मैदे का मोमोज बनाना भी सिखाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। ये वैसी विधि है जैसी हमने आटे में किया था। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। जैसे हमने आटे का डो बनाया था, वैसे हमें इसका भी डो बनाना है। लेकिन हमने जैसे आटे में नॉर्मल पानी यूज़ किया था, हमें इसमें फ्रीज का पानी यूज़ करना है। अगर हम फ्रीज का पानी यूज़ करते हैं, तो हमारा मैदे का डो सख्त नहीं बनता है और बड़ा सॉफ्ट बनता है। अब हमने इसे काउंटर पे रखकर अच्छे से गूंद रहे हैं। 2 मिनट तक हमें इसे गूंदते ही रहना है, जिससे ये अच्छे से चिकना भी हो जाएगा और अच्छा गूथा भी जाएगा। हमने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसे चिकना करने के लिए थोड़ा सा तेल यूज करेंगे और फिर इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। अगर हमारे डो अच्छे बनते हैं, तो हमारे मोमोज भी बहुत बढ़िया बनते हैं। इसलिए जब भी आप मोमोज बनाएं, तो डो पे ज़रूर ध्यान दें। अब हम इसके ऊपर तेल लगा के इसे ढककर 15-20 मिनट तक अब रख देंगे इसे। जब तक हमारे दोनों डो साइड में रखे हैं, तब तक हम लौकी को मतलब इसका मसाला बना लेते हैं। आज हम आपको लौकी के मोमोज बनाना सिखाएं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे किसी हुई लौकी, प्याज और लहसुन लिए हैं। अगर आप चाहो तो लौकी की जगह पत्ता गोभी ले सकते हो। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च। अब हम इसमें किसा हुआ लहसुन डाल देंगे और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से हिला देंगे। अब हम इसमें लौकी डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे। आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हो। अब हमारा लौकी का फ्लेवर बन के तैयार है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। हमने हमारे लौकी के फ्लेवर को ज़्यादा नहीं पकाया है। अब हम अपने आटे को अच्छे से सही कर लेंगे। अब हम
आटे की छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब हमारी आटे की लोई बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी बड़ी बेल ली है। अब हम इसमें फ्लेवर डालेंगे। और इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। इसी तरीके से हम बाकी लोइयां बेल लेंगे। और फ्लेवर डाल के इसे उसी तरीके से बंद कर देंगे। हमारे आटे के मोमोज बनके रेडी है। तो हम आपको मोमोज बनाने के दो तरीके बताएंगे। तो आप इसे इडली के पैन में भी उबाल सकते हैं और कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं। और हमने कढ़ाई में गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। तब तक हम इडली के पैन में तेल लगा देंगे और फिर अब हम अपने मोमोज रख देंगे। हमने यहाँ पर इडली के पैन में सारे मोमोज रख दिए हैं। अब हम इसे इसमें डाल देंगे जिसमें हमने 1 गिलास गर्म पानी डाल दिया था। अब हम इसे ढककर उबलने देंगे। और इधर हमारा पानी भी उबल चुका है जिसमें हम मोमोज डाल देंगे। और हाँ, अगर आप इसे कढ़ाई में बना रहे हैं तो ये फूटेंगे भी। और अगर ये उनका फूटना भी अच्छा है क्योंकि ये जब फूट जाते हैं तो ये फूटे हुए इनका सूप बन जाता है। अब हम इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे। अब जब तक हमारे आटे के मोमोज हो रहे हैं तब तक हम मैदे के मोमोज बना लेंगे। तो हमें इसे भी छोटी छोटी लोइयों में डालना है, लेकिन तब तक हम इसे गूंथ लेंगे अच्छे से। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। अब हमारी आटे की लोइयां भी बनके तैयार, मतलब मैदे की लोइयां भी बनके तैयार हैं। तब तक हमारी आटे की मोमोज देख लेंगे। आप देख सकते हैं इनमें से कुछ कुछ फूट चुके हैं, लेकिन ये हमारे लिए ठीक ही है क्योंकि इनका सूप बन सकता है। हमारे कढ़ाई की मोमोज बनके रेडी है। अब हम इसे बंद कर देंगे। आप इन्हें उबला हुआ भी खा सकते हैं चटनी के साथ, या फिर अब हम मैदे की भी लोइयां बना मतलब बेल लेंगे। हमें इसे मैदे सूखे मैदे के साथ बेलना है। अब हमारी आटे की लोइयां सारी तैयार है। तो अब हमने इसमें भी फ्लेवर डाल दिया है। अब हम इसे अलग डिजाइन में लग करेंगे। इन्हें निकाल लेंगे। और अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे आटे के मोमोज रेडी हैं। अब हम इसी पैन में मैदे के मोमोज रख देंगे। और इसे भी इसी प्रकार उबाल लेंगे। वो तो ये दोनों तब तक हम
आप हमारे आटे के मोमोज तल लेंगे, आप चाहो तो इन्हें उबला हुआ भी खा सकते हैं। इसी तरीके से मोमोज भर लिए हैं, अब हमारे आटे वाले मोमोज भी रेडी हैं, अब हमारे मैदे के मोमोज भी रेडी हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब जब तक ये ठंडे हो रहे तब तक हम आटे के मोमोज तल लेंगे। हमारे आटे के मोमोज अब फ्राई हो रहे हैं, हमें इन्हें तब तक करना है जब तक ये लालपन पे ना आ जाए। फ्रेंड्स, हमारे आटे के मोमोज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसी प्रकार मैदे के मोमोज भी तल लेंगे। अब हमारे मोमोज हल्के हल्के लाल हो रहे हैं, अब हमारे मैदे के मोमोज भी रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें भी प्लेट्स में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे आटे और मैदे के मोमोज रेडी हैं। ये मैदे के उबले हुए मोमोज हैं और ये फ्राई किए हुए, ये आटे के उबले हुए मोमोज हैं और ये फ्राई किए हुए। अब आप इसे टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं। अब हम इसे उगाड़ के देखेंगे। हमारे मोमोज हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे।